केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसओजी के नोटिस पर कहा कि जो जानकारी अब एसओजी ने मांगी है वो तो मैं पहले ही दो बार विद ऑल डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूं। एसओजी से कह चुका हूं कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करो कि इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं हो। रविवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने एसओजी से मिले नोटिस से जुड़े सवाल पर कहा कि कितना हास्पद है, पिछले 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक मीटिंग, कांग्रेस की मीटिंग और सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए। अब 4.5 साल बाद पहली बार मुझे खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कितना पॉलिटिकल मोटिवेट है कि जिसमें बैंक खाते, संपत्ति और लेन देन की जानकारी मांगी गई है। यह सारी जानकारी मैं वर्ष 2020 और 22 में एक रिप्रेजेंटेशन की अपनी तरफ से बिना मांगे लिखकर एसओजी को दे चुका हूं। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि न तो मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी कोई आकांक्षा, ना मेरी महत्वाकांक्षा है। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे जहाँ कहेगी आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहेगी कि आने वाला संसदीय चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहेगी कि संगठन में काम करना है तो मैं संगठन में काम करूंगा। विचार परिवार कहेगा यहाँ की काम नहीं करना, कहीं काम करना है तो मैं वहां काम करूंगा। जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3-3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि माननीय नड्डा जी का प्रवास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ एक तरफ पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार किया था, माननीय नड्डा जी के इस प्रवास से संगठन को एक नई धार और पैनापन मिलेगा। सर, रात को आप तो शहर के भीतरी इलाकों में पुरानी हताया याद आ गई थी, रात को 12-1 बजे तक, क्योंकि मैं समय पर जोधपुर आ गया था कल जयपुर से, तो कई दिन से कार्यकर्ताओं के साथ मिलना नहीं हुआ था, तो गया था सहज भाव से। न तो उसके पीछे कोई राजनीतिक मोटिव था, न और कोई उद्देश्य था। अपनी मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सबसे अच्छा जगह है जहाँ मैं बैठ करके देश दुनिया के हालात के बारे में, राजस्थान और राजस्थान की राजनीति के बारे में, जो वहाँ की समृद्ध चर्चाएं होती है उन चर्चाओं में शुरू को वहाँ के बारे जो है किस तरह से कार्यकर्ता और जमीन पे बैठे हुए लोग किस दृष्टिकोण से सोचते हैं इसके बारे में बातचीत कर। सूचियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है पूरे राजस्थान में। अभी तो मुझे लगता है कांग्रेस की इंतजार करना चाहिए, हम तो एक घोषित कर चुके हैं। जो है हास्यास्पद है, पिछले 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार आप लोगों से चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए, कांग्रेस की मीटिंग में बात करते हुए, सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। पहली बार 2019 से लेकर के अब 2023 के अंत में जाकर के 4.5 साल बाद में पहली बार मुझे अपने खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया कि आप लिखित में एक बार अपने खाते की डिटेल दें। आपकी जानकारी के लिए बता दो, अब ये नोटिस जो दिया गया इतना कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई है कि आपके बैंक खातों की जानकारी दीजिए, आपकी संपत्ति की जानकारी दीजिए, आपके लेन देन की जानकारी दीजिए, ये सारी जानकारी मैं 2020 में और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिख करके एसओजी को कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करें कि इसमें जो है किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं रहे, ये सारी जानकारी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में 2 बार पहले भी दे चुका हूं, क्या बिना मांगे भी दे चुका हूं। क्या गजेंद्र सिंह विधानसभा? देखिए, मैं तो मेरी कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा है न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। पार्टी का निर्देश, मैं तो पार्टी का सिपाही हूं,
पार्टी मुझे कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि आने वाले सांसद का चुनाव लड़ना है, वो लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि संगठन में काम करना है, मैं संगठन में काम करूंगा। और विचार परिवार